5:30 बजे पहुंच चुके थे अपने गांव में। ज्यादा खुद लगी बल, बहुत याद आती है अनिल की मेरे को। दोस्तों यहां पे चल रहा है हमारे नए घर का काम। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग में दिख रहा हूँगा, लगभग 1.5 महीना होने वाला है अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुए हैं, और उसका भी बहुत बड़ा कारण है, तो वो भी ब्लॉग में आगे शेयर करूँगा क्यों नहीं आई थे मेरे ब्लॉग। और आज सबसे अच्छी बात है कि हम दिल्ली से अपने उत्तराखंड जा रहे हैं अपने गाँव, तो आज का ब्लॉग होने वाला है दिल्ली से उत्तराखंड की ओर। तो ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए। और पहले तो अभी देख लीजिए, हमारे पास 2 बैग है और 2 कट्टे हैं और इम्पोर्टेंट सा सामान है, तो अभी ऐसा हाल और है फिलहाल। तो और मैं और पंकज भाई जी जा रहे हैं, जो मेरे बड़े भाई जी हैं घर, तो हमें यहाँ से जाना है पहले हौसकास तक, तो वहीं पे हमारे गांव वाले चाचा जी हैं, उनकी गाड़ी आएगी। तो अभी फिलहाल 6:30 होने वाला है टाइम, तो हम ज़्यादातर रात को ही यहाँ से निकलते हैं और सुबह अपने उत्तराखंड पहुँच जाएंगे। तो चलो, तो पहले तैयार व्यार हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग के साथ में। और कल रात को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो अभी सुबह को मॉर्निंग के टाइम पे ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी अपने घर से और अपने गांव से। तो पहले ये चेक करो, मस्त वाली प्यारी सी धूप लगी हुई है और यहाँ पर दादाजी बैठ रखे हैं, दादाजी गर्म गर्म चाय पी रहे हैं ठंड ठंडी मौसम में। और ये है धीरज भाई, तो धीरज भाई तो काफ़ी जल्दी आ चुके थे यार घर, तो कैसा लगा यार आपको पहले घर आके? घर आके थोड़ा सुकून मिला, वहाँ प्रदूषण बहुत सारा हो गया था, इससे घर में सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो सही बोला, शहर में शहर की इतनी ज़्यादा हवा भी है ही नहीं उधर, इतनी ज़्यादा शोर शराबे से दूर अपने गांव की ओर आए हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है आज। तो नीचे पे है अभी दीदी दादी और मम्मी, तो वहीं पर, तो माँ जी भी वहीं पर, सारे वहीं पर। तो चलो, तो अभी आपको एक जगह स्पेशल सी जगह भी लेके चलेंगे, तो तब तक के लिए पहले मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे पहुँच चुके थे अपने गांव में। तो चलो, तो पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों चलो, तो आप सबको लेके चलते हैं वो स्पेशल सी जगह जहाँ मैं बता रहा था कि आपको सबको बताएंगे। तो मेरे साथ आ रही है अभी दीदी और हम जा रहे हैं अभी एक स्पेशल सी जगह पे और आपको बताएंगे क्या है वो। तो चलो, तो रेडी। और मैंने अपनी माँ से तो मिलाया नहीं, ये है मेरी माँ जी, और माँ को मेरी खुद भी लगी, और माँ को मेरी बहुत ज़्यादा खुद लगी, बल बहुत याद आती है अनिल की मेरे को। माँ की हिंदी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे है दीदी और बड़े भाई जी और पापा जी यहाँ पे है, अभी इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऐसा ही है इसमें। तो चलो, तो चलते हैं पहले और आप सबको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे चल रहा है हमारे नए घर का काम, तो देख सकते हो पहले हमारी गौशाला हुआ करती थी यहाँ पे, तो अब गौशाला है नहीं, तो उसी के ऊपर से अब सीधा मकान का काम स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे बन रहा है किचन, बाथरूम, लैटरिन जो भी है, और यहाँ पे 2 कमरे और इसके ऊपर भी 2 कमरे होंगे। और देख सकते हो पीछे जितना भी है मटेरियल सारा यहीं पर रखा हुआ है,
तो काफ़ी जगह थी तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं अपने काम पे, तो देख सकते हो। और पहाड़ों में मस्त सी धूप लगी हुई है और दिल्ली के उस शोर शराबे से दूर अपने गांव की ओर आए हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और मतलब काफ़ी अच्छा फीलिंग भी आ रही है यार, गाँव में अच्छी अच्छी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा, ठंडी सी और मस्त सा मौसम, और इन पहाड़ों के बीच खूबसूरत सा। तो पूरे जंगल अभी जल, अभी देख सकते हो ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा है पूरा सा जंगल, क्योंकि वो पूरे जल चुके हैं। पानी ऐसे ही हो जाता है यार, कभी आग लग जाती है तो पूरे जंगल काले काले से हो जाते हैं। और यहीं पे है हॉस्पिटल, देख सकते हो यहीं पे हॉस्पिटल, उसी के ऊपर है सड़क। तो चलो देख सकते हो।